हेलो फ्रेंड, मैं निशा गर्ग और मैं वे टू बिग अपॉर्चुनिटी चैनल से बोल रही हूँ। आज हम पहले हम फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो मतलब काफ़ी हद तक नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब इटली की विजय की, तभी वहाँ पर वहाँ के जो लोग थे उनमें इटली के एकीकरण और राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। अब वो कैसे हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम इन चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा समझ आएंगी। तो मित्रों, आओ हम पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा हाथ था। इवन नेपोलियन बोनापार्ट को ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कैसे, तो उसके बारे में जानते हैं। इटली की विजय के बाद नेपोलियन ने लोम्बार्डी, परमा, मडोना और पोप का जो राज्य था वहाँ पे, जैसे इन भागों में बटा हुआ था इटली, जैसे लोम्बार्डी, परमा, मडोना ये इटली के देश थे और पोप का राज्य था जो बिल्कुल इटली के मध्य भाग में था, उसको जोड़कर उसने और उसमें वेनेशिया को भी मिला दिया जो इटली का उत्तरी पूर्वी देश था जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, को मिलाकर 1797 में सिस अल्पाइन गणतंत्र की स्थापना कर दी वहाँ पर, और सिस अल्पाइन की गणतंत्र की स्थापना कर दी और वहाँ का सम्राट अपने आप को घोषित करके उसने छोटे बड़े राज्यों को समाप्त करके उनको इटली को तीन बड़े भागों में बांट दिया, तीन बड़े भागों में समाहित कर दिया। हालांकि अब जब हमें विश्व के मैप में इटली को देखते हैं तो इटली क्या भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल जैसे कटा हुआ सा लगता है, बिल्कुल अलग अलग सा है, उसके सभी जो प्रदेश हैं वो कटे हुए से हैं एक दूसरे से। लेकिन नेपोलियन ने मतलब इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति के स्थान पर वास्तविक एक रूपरेखा प्रदान की भी। ये एक देश है इटली, एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, मात्र एक देश है। और यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी अपने देश को एक करने की भावना है या राष्ट्रवाद की भावना है। इटली वासियों को नेपोलियन की ये नीति बहुत पसंद आई और उन्होंने नेपोलियन को मुक्तिदाता के रूप में पहचाना या मुक्तिदाता के रूप में उसको जाना। अब क्या हुआ कि जब नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के ऊपर विजय पाई तो उन्होंने बहुत खुशियां मनाई, क्योंकि इटली के जो लोग थे वो मतलब इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधक मानते थे। इसका कारण ये था कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो क्या था, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा शत्रु था। वो ये कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि इटली का अगर एकीकरण हो जाता तो एक बहुत बड़ा प्रदेश उसके हाथ से निकल जाता। इसलिए वो क्या थे, इटली के जो लोग थे वो ऑस्ट्रिया का को सबसे बड़ी बाधा मानते थे अपने एकीकरण में। कुछ क्या था, इटली में सामंतवादी व्यवस्था थी तो वो सामंत भी अपना शासन जो कहते हो चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। ये जो नेपोलियन का जो आक्रमण था और नेपोलियन की जो विजय थी इटली पर और फ्रांस की जो क्रांति थी, उसने वहाँ पर क्या है, सामंतवादी व्यवस्था का इटली में समाप्त कर दिया, सामंतवादी व्यवस्था को। ये भी क्या है कि इटली वासियों को नेपोलियन की या फ्रांस की क्रांति की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि इसके कारण भी इटली वासियों में एक होने की जो भावना थी वो जागृत हुई। वो चाहते थे कि हमारा भी जैसे और देश है उनकी तरह हमारा भी विकास हो और हमारे देश का भी एकीकरण हो। नेपोलियन ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने इटली को एकता प्रदान की, भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, उसने वहाँ पे जो राष्ट्रवादी की भावना थी उसको जगाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली के अंदर जो आंतरिक व्यापार होता था उसको उसने मतलब काफ़ी हद तक बंद कर दिया और महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत इटली का जो वस्त्र उद्योग था वह उसके माध्यम से वहाँ पर मतलब एकीकरण के मार्ग का सूत्रपात हुआ। नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था स्टार्ट की थी उसके कारण क्या हुआ कि उसका जो वस्त्र उद्योग था इटली का वो काफ़ी मतलब विकसित हो गया, तो आर्थिक और औद्योगिक विकास का जो मार्ग था वो इटली में खुल गया। क्योंकि पहले जो इटली में व्यापार होता था वो अंतर्देश ही होता था, यानी कि वो एक इटली के भीतर ही होता था, इटली के जो प्रदेश थे अलग अलग प्रदेशों में इटली बटा हुआ था तो उसके भीतर ही होता था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने मतलब उसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया और इस जो वस्त्र उद्योग का जो विकास था वो इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा सहायक हुआ, क्योंकि इससे इटली का आर्थिक विकास भी हुआ। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे नेपोलियन के खिलाफ हो गई इटली की जनता, खिलाफ क्यों होगी, क्योंकि
नेपोलियन ने फ्रांस मतलब इतने की जो कलाकृतियाँ थी और वहाँ का जो काव्य था, साहित्य था और भी जो अच्छी चीज़ें थी जो इटली वासियों को बहुत प्रिय थी, उसने वो फ्रांस ले जानी शुरू कर दी। और अन्य उपनिवेशों जैसा, जैसे फ्रांस के अन्य उपनिवेशों के साथ नेपोलियन का व्यवहार था, जैसे वो उपनिवेशों के लोगों पर कर लगाया करता था और वहाँ के जो कीमती सामान था उसको फ्रांस लेके जाया करता था, तो ऐसी नीति उसने इटली के साथ भी अपनाई। और इससे क्या है, ये मतलब नेपोलियन के विरुद्ध इटली के लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और उसने उसकी ये नीति इटली के लोगों में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने में सहायक हुई। ऐसे क्या ये जो भावना थी लोगों की, यही इटली के एकीकरण करने में सहायक थी। इसी भावना के कारण एक दिन इटली का एकीकरण होता है। तो इसमें क्या है कि इटली के एकीकरण में जो बाधक तत्व थे वो ये थे कि इटली क्या जो भौगोलिक रूप से भी पूरी तरह से सही नहीं था। इसको अगर हम मैप में देखें तो इसके क्या क्षेत्र अलग अलग है, बटे हुए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था वो भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, और वो ये चाहता था कि जो देश उसके, जैसे ऑस्ट्रिया क्या है अगर हम मैप में देखें तो ऑस्ट्रिया क्या है कि इटली के बिल्कुल ऊपर ही है, और इसके अंदर जो लोम्बार्डी और वेनिशिया का जो प्रदेश है वो पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के वेनाडी और वेनिशिया का जो पर लोम्बार्डी का जो प्रदेश थे इटली के, उस पर ऑस्ट्रेलिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया का अधिकार था, और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो मेटरनिक, और वो नहीं चाहता था कि ये प्रदेश है उसके ऊपर से उसका अधिकार हट जाए। अब ये जो प्रदेश है बिल्कुल ऑस्ट्रिया मतलब इसके इटली के उत्तर पूर्व की तरफ पड़ते हैं, और ऑस्ट्रिया बिल्कुल इसके जस्ट पे था, तो इसके ऑस्ट्रिया का इसके ऊपर सीधा नियंत्रण था। अब ये हम इधर देखें तो उत्तर पश्चिम में जो मतलब सार्डिनिया और लोम्बार्डी, ये जो दो प्रदेश हैं इटली के, इसके ऊपर सेवाए वंश का शासन था। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो मतलब इटली के मैप में हम देखते हैं कि इटली के अलग अलग प्रदेशों पर अलग अलग शासकों का शासन था। ऐसे ही हम जो ये जो बीच में यहाँ देखते हैं तो मध्य में इसके परमा मेडोना और टस्कनी का जो प्रदेश है, टस्कनी के जो राज्य है, इनके ऊपर भी लगभग ये जो ऑस्ट्रिया है इसका ही शासन था अप्रत्यक्ष शुरू किया, क्योंकि यहाँ के जो राजकुमार थे इनका शासन था इसके ऊपर। अब हम आगे देखते हैं तो इधर दक्षिण में नेपल्स और सिसली के जो प्रदेश हैं उसके ऊपर नेपल्स और सिसली पर बूर्बो वंश का शासन था। और बीच में यहाँ जो रोम है, मध्य में जो रोम का ये प्रदेश कह सकते इटली का, इसके ऊपर पोप का राज्य था, और पोप इतना शक्तिशाली था कि उसके उसे अन्य यूरोपीय जो देश है, यूरोप के जो अन्य देश है उनका समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ये एक कैथोलिक धर्म का प्रमुख था। यूरोप में क्या है कि कैथोलिक धर्म की प्रमुखता थी, कैथोलिक धर्म को ही मानने वाले लोग बहुतायात थे, और रोम का जो प्रदेश है वो पोप के हाथ में था, और पोप क्या है कैथोलिक धर्म का प्रमुख था, तो यूरोप के जो अन्य देश हैं वो भी उसको समर्थन देते थे, इसलिए रोम का भी एक राज्य शक्तिशाली राज्य था इटली के अंदर। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रदेशों में या शासकों में जैसे इस इटली को बांटा हुआ था, तो इसको एकीकरण में ये चीज़ जो थी ये बहुत बड़ी बाधा थी। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इसकी भूमिका बनती है, और इटली का जो एकीकरण है उसमें किन किन तत्वों का, किन किन लोगों का सहयोग रहता है, और जिससे ये इटली का एकीकरण संभव हो पाता है। अब क्या होता है कि देखो मित्रों, एक डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं कि जो इटली है वो कितने मतलब प्रदेशों में बटा हुआ था, और किन किन वंशों का इस पर शासन था। जैसे ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्व के क्षेत्र में यहाँ पे था ये उत्तर पूर्व, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम, और ये दक्षिण, ठीक है, और इधर का जो क्षेत्र था, मान लो ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था इस पर था शासन पिडमांट और सार्डिनिया, ये दो प्रदेश थे इधर, पिडमांट
और सार्डिनिया, ठीक है, ये इसके ऊपर सिवाई वंश का शासन था। ठीक है, इधर जो उत्तर पूर्व में जो दो प्रदेश थे जिनको कहते हैं वेनेशिया और लोम्बार्डी, लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये जो दो देश थे इसके ऊपर ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था, ये इसको कह सकते हैं ऑस्ट्रिया। ठीक है, दक्षिण में इधर नेपल्स और सिसली, सिसली ये जो प्रदेश था इसके ऊपर बुबो वंश का शासन था, बुबो वंश। इधर बीच में था परमा, मेडोना और टस्कनी, ये तीन स्टेट थे या तीन इसको देश कहते हैं, परमा, परमा के बीच में थे परमा, मेडोना और टस्कनी। ये था, इस तीन स्टेटों पर भी लगभग ऑस्ट्रिया का ही शासन था। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं हम इसको। और इसके बाद जो इधर जो बीच में था ये रोम पड़ता था, इधर इटली का बिल्कुल रोम के अंदर पोप का शासन था, बिल्कुल मध्य भाग में कह सकते हो आप रोम का शासन था। और रोम के शासन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, मतलब उसने कंट्रोल कर रखा था पूरे इटली को, इधर से उधर से पूरे इटली को उसने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी शक्तिशाली था क्योंकि आधे से ज़्यादा जो इटली का प्रदेश था वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। तो ऑस्ट्रिया ये कभी नहीं चाहेगा अभी इटली का एकीकरण हो। इधर ये जो सिवाई वंश था इसकी भी पीडमांट और सार्डिनिया पर मजबूत पकड़ थी क्योंकि कई वंश आ चुके थे इसमें, कई राजा बन चुके थे और ये चाहते थे कि पीडमांट और सार्डिनिया पर हमारा शासन रहे हमेशा के लिए और इटली का एकीकरण हो तो हमारे नेतृत्व में हो। तो ऐसे ही पीडमांट और सार्डिनिया जो थे वो इटली का एकीकरण चाहते थे और यहाँ का जो एक मतलब एक व्यक्ति था जिसका नाम था कावूर, काबूर क्या था शुरू में क्या था कि धीरे धीरे करते वो यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया था। तो प्रधानमंत्री बन के मैं आपको एक बार मोटा मोटा बता रही हूँ, बाद में मैं इसके जो छोटे छोटे फैक्ट जस्ट जैसे पॉइंट के हिसाब से आते जाएंगे वैसे बता दूँगी। तो यहाँ पे क्या था, काबूर जो था, काबूर ने क्या था इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये क्या था, इसने मतलब मतलब प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया था, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया था। और ये प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने पर इसने इसके अनुसार भी अगर हमें इटली का एकीकरण करना है तो हमें किसी विदेशी मित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। और इटली का सबसे बड़ा मित्र ये फ्रांस को समझता था और फ्रांस की सहायता लेने के लिए इसने वियना जो कांग्रेस है, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस होती है 1815 में जो नेपोलियन के पतन के बाद होती है, एक वियना कांग्रेस बुलाई जाती है, वियना कांग्रेस में ये भाग लेने जाता है। तो वहाँ पर भाग जब लेता है तो वहाँ पे ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है ये मेटरनिक आता है और मेटरनिक ही वियना कांग्रेस का अध्यक्ष होता है। लेकिन ये नहीं चाहता कि वियना कांग्रेस के अंदर काबूर को बुलाया जाए, काबूर को वो नहीं चाहता था कि काबूर को बुलाया जाए या इटली की कोई बात हो वहाँ पे। लेकिन काबूर क्या वहाँ पे जाता है, काबूर वहाँ पे जाता है और उसका स्वागत किया जाता है और उसको बोलने का मौका दिया जाता है, काबूर को अपनी बात रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल जाता है ताकि वो सभी मतलब अन्य जो देश हैं यूरोप के उनको बता सके कि इटली का जो एकीकरण है उसमें सबसे बड़ा जो बाधक है वो ऑस्ट्रिया ही है। अब क्या कि वहाँ पे वो मतलब एक मंच पर या अपनी बात रखता है काबूर की, जो खुलकर बताता है कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक है जो ऑस्ट्रिया है। इस बात से क्या है कि ऑस्ट्रिया चिढ़ जाता है, फिर क्या होता है कि जो चिढ़ जाता है, चिढ़ने से मतलब क्या होता है कि फिर वो काबूर जो होता है एक छोटा सा प्रयास करता है फ्रांस को अपना मित्र बनाने का, मित्र बनाने का प्रयास तो करता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि फ्रांस का जो शासक होता है वो होता है नेपोलियन तृतीय, और नेपोलियन तृतीय को मारने की कोशिश करता है। इटली में एक मैजरी नाम का एक व्यक्ति होता है, मैजरी नाम का एक क्रांतिकारी व्यक्ति होता है, उसका भाई होता है आर्स्किन, आर्स्किन कांड कहते हैं इसे,
आर्स्किन कांड के दौरान क्या होता है, इटली का जो ये मैजनी नाम का व्यक्ति होते हैं, इसका एक मित्र होता है आर्सनी। आर्सनी क्या है, नेपोलियन तृतीय को मारने की साजिश करता है, लेकिन इसमें नेपोलियन तृतीय बच जाता है। इसको इतिहास में आर्सनी कांड के नाम से जानते हैं। और जब वो मतलब उसको मारने की कोशिश करता है तो काबूर की जो फ्रांस को मित्र बनाने की जो मंशा होती है वो धरी धरी रह जाती है आर्सनी कांड के दौरान, आर्सनी कांड के कारण। फिर वो मतलब क्या है कि ये आर्सनी को काबूर माफ़ी मांगने के लिए कहता है नेपोलियन तृतीय से, ताकि फ्रांस को मित्र बनाया जा सके और इटली के एकीकरण का जो स्वप्न है उसे पूरा किया जा सके। तो आर्सनी नेपोलियन तृतीय से माफ़ी मांगता है, और उसके बाद क्या होता है कि स्थिति जो है वो पहले जैसी हो जाती है। फ्रांस मतलब क्या होता है कि काबूर का यानी कि नेपोलियन तृतीय और फ्रांस का नेपोलियन तृतीय जो होता है, फ्रांस का जो राजा होता है, और उसके साथ काबूर की मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के बाद प्लोम्बियर्स समझौता होता है। ये प्लोम्बियर्स एक जगह का नाम है, इसके बारे में हम फिर विस्तार से पढ़ेंगे मित्रों। पहले मैं मतलब आपको एक रूपरेखा बता रही हूँ इटली के कण की। प्लोम्बियर समझौता था दोनों के बीच, दोनों मित्र बन जाते हैं। और काबूर कहता है कि आप मतलब हम क्या है मतलब जो इटली के एकीकरण में हमारा सहयोग करो, या ऑस्ट्रिया के खिलाफ आप मेरा हमारा सहयोग करो। नेपोलियन तृतीय से ये बात कहता है। तो नेपोलियन तृतीय कहता है कि मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ, तो उसने कहा कि आप ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दो और हमें 200,000 की सेना दो। तो इस पर वो राजी हो जाता है। तो फिर फ्रांस का जो राजा होता है वो क्या कहता है कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, तो वो कहता है कि हम आपको सेवाई और नीस का प्रदेश दे देंगे। सेवाई और नीस का जो प्रदेश है इटली का, वो हम आपको दे देंगे। तो ठीक है, इस बात पे मान जाता है। और क्या है कि हम ये जो मतलब बर्मा, मेडोना और टस्कन का जो राज्य है बीच का, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है, उसको मिलाकर एक राज्य का निर्माण करेंगे। और जो नेपल्स और सिसिली है, इसके ऊपर रोम मतलब रोम का शासन स्थापित, पोप का शासन स्थापित कर देंगे, पोप के नियंत्रण में दे देंगे। इस तरह क्या है कि हम इटली को मतलब एक करना चाहेंगे। तो इसमें नेपोलियन तृतीय उसकी मतलब रजामंदी हो जाती है। नेपोलियन तृतीय भी समझौते पर सहमत होता है। इस तरह क्या होता है कि फिर ऑस्ट्रिया क्या है इस बातों से चिढ़कर इटली पर आक्रमण कर देता है। फिर उसको 3 युद्धों में इटली हराता है ऑस्ट्रिया को। फिर ऑस्ट्रिया क्या है, डर जाता है, क्योंकि फ्रांस और इटली की सम्मिलित सेना उसको 3 युद्धों में हरा देती है। और फिर इटली भी मतलब वो जो ऑस्ट्रिया होता है वो भी मतलब फ्रांस के साथ संधि कर लेता है, जिसे कहते हैं विल फ्रेंका की संधि। ये विल फ्रेंका की संधि में जो ऑस्ट्रिया होता है वो कहता है कि भाई आप ये इसका साथ दे रहे हो, इसने आपको मारने की कोशिश की, फिर भी आप इटली का साथ दे रहे हो, तो आप मेरा भी सहयोग करो। तो वो कहता है कि नेपोलियन तृतीय कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूं। तो वो ये कहता है कि हमें मतलब लोम्बार्डी का प्रदेश तो आप इसको दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन वेनेशिया हमें चाहिए, वेनेशिया का प्रदेश हम इसे नहीं देंगे। तो नेपोलियन तृतीय क्या होता है, वो उसके साथ मिल जाता है। और जब युद्ध होता है तो फिर युद्ध में तो ऑस्ट्रिया हार जाता है, लेकिन नेपोलियन तृतीय वीना मतलब वेनेशिया का जो प्रदेश होता है वो ऑस्ट्रिया के अधिकार में कर देता है, उसको देता नहीं है मतलब काबूर को। इससे क्या, काबूर निराश हो जाता है और वो अपना इटली का जो प्रधानमंत्री का पद है वो छोड़ देता है, क्योंकि मतलब इटली को तो दोनों ही प्रदेश मिलने चाहिए थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया के, लेकिन वो उसे नहीं मिलते हैं, ओनली लोम्बार्डी ही उसे प्राप्त होता है। उसके बाद वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। तो इसके बाद का जो मित्रों हम रूपरेखा है वो कल तैयार करेंगे। आज हम इटली के एकीकरण की मोटी मोटी जो रूपरेखा है वो तैयार कर चुके हैं, और कल हम इसके बारे में फैक्ट और पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।